सर्व चैतन्य रूपांतां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। सर्व चैतन्य रूपांतां, सर्व का अर्थ है जो सार्वकालिक और इसी के साथ साथ सार्वत्रिक, तीसरा शब्द है सार्वजनिक, जो सदा सर्वत्र और सब में चिद रूप है। अच्छा, एक बात बताइए, जो सब में होगा तो वो सबसे परे भी तो हो जाएगा ना। जो सबके साथ में है, इसका मतलब है आप सब कहां तक कहोगे, जो सभी में है। आप हम सब की एक सीमित दृष्टि है, जब हम कहते हैं पूरे हाल को आप देख सकते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन इस हाल से बाहर भी तो लोग हैं ना। तो कहते हैं पूरे हरिद्वार, कहते हैं पूरे हरिद्वार को हम कहां देख सकते हैं, कहते हैं हरिद्वार नहीं पूरी धरती। अब हरिद्वार से पूरा छलांग लगाओ, पूरी धरती, पूरी धरती ही नहीं, ये पूरी धरती भू भुवः श्वः महः जनः तपः सत्यम, जितने भी ऊपर के सात और नीचे के सात लोग, जितने भी अनंत विश्व ब्रह्मांड हैं, जो सबको व्याप्त किए हुए हो, जो सबको व्याप्त करके रहती है, उसी को कहा खुद भगवान विष्णु जब एक करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे बिनवेशयंतं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदं। भगवान विष्णु जब उस बरगद के बड़ के पत्ते पर लेटे हुए थे तो सोच रहे थे ये सब क्या है। तब उनको एक आवाज सुनाई पड़ी, सर्वं खल्विद मेवाहम नान्यदस्ति सनातनम। जब भगवान विष्णु के संबंध में अभी कथा आ रही है, वो भी स्वतंत्र नहीं है, जब उनको दुविधा हो गई कि कौन है जिसकी महिमा में मैं ये सब अपने आप को भी किसी रहस्य के साथ जीता हुआ देख रहा हूं, तब एक आवाज आती है, मैं ही एकमात्र सनातन हूं और सनातन शक्ति के रूप में मेरा ही सर्वत्र सार्वकालिक शाश्वत शासन चल रहा है, मेरी ही सत्ता है। वह कौन आवाज दे रहा है, भगवान विष्णु को ये संशय हुआ। भगवान विष्णु के संशय के साथ महाशक्ति प्रकट हुई है। ध्यान दें, वह चिद्रूपा शक्ति हम सबके अंदर, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्य विधीयते नमस्तस्य 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 नमो नमः। चितिरूपेण या कृष्ण मे तद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्य 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 नमो नमः। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। इस मंगलाचरण के साथ हम आपको अपने परिचित मंत्रों के साथ आपको तन्मय कर सकें। हम तो तन्मय हैं, आप भले तन्मय हो कि ना हो, चलो कम से कम हम इतना अपने पर उपकार मानते हैं कि आप लोगों के कारण मैं तन्मय हूं। तो निश्चित ही उस चिद्रूपा चितिरूपा महाशक्ति का वंदन करते हुए हम देवी भागवत उस महिमामयी विश्व माता की कथा में प्रवेश करें, जिस विश्व माता को केन उपनिषद ने वर्णन किया। केन उपनिषद, केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रयति युक्तः। यही पहला मंत्र है जिससे केनोपनिषद का नाम निश्चित हुआ। केन, केनेषितं, किसके द्वारा इच्छित होकर, केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, और मानो ये मन प्रेषित किया जाता है कहाँ, किसी विषय वस्तु पर, किसी संकल्प पर। यन मनसान मनुते ये नाहुर मनोमतम, यत चक्षुषा न पश्यत ये न चक्षुंसि पश्यति, वह कौन है। इसी बात का उल्लेख, इसी बात का दर्शन एक आख्यायिका से दिया। उस आख्यायिका को आप लोगों ने प्रायः सुना है। देवासुर संग्राम में विजय मिलने के बाद सभी को, सभी देवताओं को अपने अपने बल पर अभिमान है, अगर मैं न होता तो क्या होता। अच्छी बात है, क्या है किमिदम किमिदम, ये क्या है, इसको जानने के लिए सबकी उत्सुकता जगी। इंद्र ने कहा अपने सभा के मुख्य अधिनायकों से, वायु से और अग्नि से, कि थोड़ा मालूम करो। बड़े दर्प के साथ मालूम करने के लिए गए हैं। आवाज आई, कौन है आप। गए थे पता करने के लिए और उन्हीं से पूछा जाता है किस लिए आए और कौन है आप, अपना परिचय दो। ये बड़े मुश्किल में पड़ गए, अपना अपना परिचय देते हैं। अग्नि ने कहा मैं जातवेद, चाहूं तो एक क्षण में सब कुछ जला दूं। ठीक, उस तलखड़े को क्या बोलते हैं, तनखला, तृण, इस तृण को थोड़ा जलाओ। आपका जो पराक्रम है उस पराक्रम को मैं देखूं भी तो सही। अग्नि उस छोटे से तिनकों को जला नहीं सका, बड़ा निराश लौटता है। क्या उत्तर दे। वायु गया, वायु ने भी अपना परिचय दिया। अच्छी बात,
अपने परिचय के अनुसार इस तिनके को थोड़ा उड़ाइए, उड़ा न सका। जब उड़ा न सका तो वापस लौटने के बाद इंद्र ने पूछा, आपने मालूम किया कौन है? नहीं, पता नहीं कर सका। इंद्र स्वयं गए हैं, और जब स्वयं गए हैं तो इसी के साथ इंद्र ने पाया कि वो जो प्रकाश पुंज था वो लुप्त हो गया। इंद्र को बड़ा क्षोभ हुआ है। इसी के साथ आवाज आई है, इंद्र मैं ही हूं विजय का श्रेय देने वाली, मैं ही शक्ति हूं, वह शक्ति हूं जिससे आप लोगों को विजय मिली है। मेरे अधीन सर्वं खल्विदं जगत, मेरी महिमा में ही व्यक्ति का अहम स्पंदन लेता है, मेरी महिमा में ही ये प्राण शक्ति प्रवाहित होकर जीवन को जिला रही है। वह कौन? केनोपनिषद में जिस महाशक्ति को बताया है, हैमवती। आज उसी महाशक्ति में हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं, लेकिन एक माध्यम से। हम आपको फिर से ले चल रहे हैं नैमिषारण्य। नैमिषारण्य जहां पर 88,000 ऋषि मुनिगण तपस्या करते रहते थे, और जब उनको अपनी साधना उपासना से समय मिला तो कालक्षेप किसमें करें? कथाओं में। ध्यान देना, पहले कह चुका हूं, आत्मगुणानुवाद, भगवान की कथा सुनो तो व्यथा दूर करेगी। अपनी कथा जैसे आपने शुरू किया तो दूसरा अपनी कथा बोलना शुरू कर देगा, झंझट खड़ी हो जाएगी। इसलिए आज नहीं तो कल, आपने बड़े धैर्य से सुना, लेकिन आप अंदर अंदर सोचते रहेंगे, ये सुना रहा है तो मैं भी तो सुनाऊं, और जब वो सुना चुकता है तो आप भी बोलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मैं देखता हूं ऊपर सब अपनी अपनी चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा में पीछे कैसे रहें? तो परचर्चा होगी तो भी कोई फायदा नहीं, आत्मचर्चा होगी तो भी विवाद होगा, कहीं ना कहीं नासमझी में जिन विषयों का अपने साथ कोई संबंध नहीं है उन विषयों पर चर्चा करते करते लोग झगड़ पड़ते हैं। ध्यान देना, ऋषि मुनि के संबंध में एक शब्द कहूंगा, आप लोग याद रखना, बड़े महत्व की बात है। इस भूमि की महत्ता क्यों है? एक तपस्वी तपस्या कर रहा था और भगवान शंकर पराम्बा पार्वती के साथ भ्रमण करने के लिए चल पड़े। माता ने कहा, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। माता में पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा। तो ये जितने भी शिव भक्त हैं ये सब मेरे बंधुजन हैं। तो देखो, शिव भक्त का मतलब ये मत सोचना कि हम केवल सांप्रदायिक बात कर रहे हैं। भगवान नारायण आज वैष्णव अपने आप में सांप्रदायिक
अहम की बात क्या करेंगे, सांप्रदायिक अहम का उनके पास कोई सशक्त आधार क्या मिलेगा। भगवान श्री राम स्वयं भगवान शंकर की स्थापना करते हैं। आज वैष्णवों से पूछा जाए कि आपके इष्ट देवों ने भगवान शंकर की आराधना की और आप भगवान शंकर के खिलाफ खड़े हैं, चाहे भगवान कृष्ण के साथ जुड़े हुए हों। भगवान श्री कृष्ण को महर्षि उपमन्यु ने पंचाक्षरी मंत्र का उपदेश किया था, तप सांब हुए थे। भगवान नारायण स्वयं भगवान शंकर की आराधना से शंकर को प्रसन्न करके चक्र सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, हरिस्ते सहस्रम। तो जब बाबा जी पराम्बा पार्वती के साथ भ्रमण करने के लिए निकले तो माता पार्वती ने कहा कि इस तपस्वी को कुछ दे दो, तुम्हारी बहुत दिन से साधना कर रहा है। उस समय बाबा जी ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारे कहने से बात जरूर करूंगा, लेकिन ये कुछ चाहते नहीं है, हम देना भी चाहेंगे तो भी नहीं लेंगे। उस समय बाबा जी ने कहा, अयम ही परमो लाभः नृणाम साधु समागमः। ये हमारी काल्पनिक कहानी नहीं है, यह श्रीमद्भागवत कथा के अंतिम भाग में आया है। मार्कंडेय तपस्या कर रहे थे और जब बाबा जी पार्वती के कहने से उनके पास गए